फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल अपग्रेड वोकैबुलरी विद अंशु। और आज मैं कवर करने वाली हूँ 24 जुलाई के जितने भी हमारे वोकैब होंगे द हिंदू एडिटोरियल्स के, उन सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है स्नोबॉल। स्नोबॉल पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, तेज़ी से बढ़ना, टू इंक्रीज, एक्यूमुलेट, एक्सपैंड, इंक्रीज क्विकली। तो ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, वो है सिनेरियो। सिनेरियो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, परिस्थिति, सिचुएशन, कंडीशन, सर्कमस्टांसेस, केस, सेटिंग्स। नेक्स्ट वर्ड है वो है डूबियस। डूबियस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, संदिग्ध, सस्पेक्टेड, सस्पिशियस, डूबियस, डाउटफुल या इक्विवोकल। नेक्स्ट, ये वर्ड वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वो है अवॉस। अवॉस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, परिपूर्ण, कंटेनिंग, लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, वो है डेनिग्रेटेड। डेनिग्रेटेड पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, बदनाम करना, बैक बाइट, डिफेम, कल्मिनेट, डेनिग्रेट। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है टिंकर। टिंकर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, मरम्मत करना, अटेम्प्ट टू रिपेयर और इम्प्रूव, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, रिपेयर करना, रिपेयर, मेंडिंग, रेस्टोरेशन, रीमेक, रिफिट एंड रिपेरेशन। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है वो है इनसरमाउंटेबल। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, अजय, कि जिसको हराना बहुत ही मुश्किल होता है, उसे क्या बोलते हैं, इनसरमाउंटेबल, टू ग्रेट टू बी ओवरकम, इनविंसिबल, इनसरमाउंटेबल, अनबीटन, अनकनक्वेरेबल, इनसेपरेबल, इनएक्सपंजेबल। तो ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है वो है रेमिशन। रेमिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, क्षमा, रिलैक्सेशन, रेमिशन, कमीशन, लैक्यूना एंड लीवे। तो ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कंटेंटियस। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, विवादास्पद, कॉन्ट्रोवर्शियल, एगोनिस्टिक, कंटेंटियस, कंटेस्टेड, डिस्प्यूटेबल। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, वो है डिसकंसर्टिंग। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, चिंताजनक, जिटर, गो हेवायर, डिसकंसर्ट, अनहिंज, अपसेट, फ्लम मार्क्स। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, घोषणा पत्र, रिवील्ड, अपेरेंट, विजिबल, एविडेंट, डिक्लेयर। तो ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, वो है एडजॉर्मेंट्स। एडजॉर्मेंट्स ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, स्थगन, सस्पेंशन, ब्रेकिंग ऑफ, डिसकंटिन्यूएशन, इंटरप्शन, पोस्टपोनमेंट। तो ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, वो है एरोनियस। एरोनियस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, गलत, रॉन्ग, इनकरेक्ट, एरोनियस, एमिस, इल, इनएक्यूरेट। तो ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड वो है हिथर्टो। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडवर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, अब तक, या सो फार, प्रीवियसली, फॉर्मली, सो फार, दस फार, बिफोर, बिफोर हैंड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, प्रतिशोध, पनिशमेंट, पेनाल्टी, वेंजेंस, रिवेंज, जस्टिस। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सर्च ऑफ। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, अनदेखा करना, डिमिस, डिसरिगार्ड, इग्नोर, ओवरलुक, बिलिटल। तो ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सेफ पैसेज। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है, सुरक्षित, प्रोटेक्टेड रूट, सिक्योर, ट्रांजिट, सेफ ट्रांजिट। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मैरीटाइम। मैरीटाइम पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, समुद्री, नॉटिकल, नेवल, मरीन, सी फारिंग, फेरिंग, ओशियनिक। तो ये जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कॉरिडोर, जिसका मतलब क्या होता है, गलियारा, पैसेज, हॉलवे, एसल, पाथवे, वॉक अवे, वॉकवे। तो ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं।
नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सीप आउट। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, भेज देना, डिस्पैच, सेंड ऑफ, ट्रांसपोर्ट, कन्वे, फॉरवर्ड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कन्वे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, बताना, कम्युनिकेट करना, एक्सप्रेस करना, ट्रांसमिट करना और डिलीवर करना। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, वो है टेक अ टोल। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है, हानि पहुंचाना, कॉज डैमेज, अफेक्ट एडवर्सली, हार्म। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, वो है फैक्टर इन। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, शामिल करना, इंक्लूड करना, इनकॉर्पोरेट करना, टेक इनटू अकाउंट, कंसिडर। नेक्स्ट वर्ड है, वो है स्टेव ऑफ। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, टालना, प्रिवेंट, अवर्ट, फेंड ऑफ, वर्ड ऑफ, अवॉइड। तो ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है, वो है डिस्टर्प्शन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, विघ्न, इंटरप्शन, डिस्टर्बेंस, ब्रेक, स्टॉपेज, इंटरफेरेंस। तो ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है टेक अ कॉल। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है, निर्णय लेना, मेक अ डिसीजन, डिसाइड, डिटरमाइन, रिजॉल्व। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अवॉस। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, परिपूर्ण, कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ और अमाउंट्स ऑफ। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बिल्डअप। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, बढ़ाना, एक्यूमुलेट, गैदर, अमास, कलेक्ट, पाइल अप। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है विंडो। ये एक नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिसका मतलब क्या होता है, मौका, अपॉर्चुनिटी, चांस, प्रोस्पेक्ट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है शॉर्टफॉल, जिसका मतलब क्या होता है, कमी, डेफिसिट, लॉस, शॉर्टेज, लैक। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, वो है एज ए हार्ड एज ए नेल। तो ये एक ईडियम है जिसका मतलब क्या होता है, निर्दयी, टू शो नो सिंपैथी, काइंडनेस और फियर। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अ बिग ड्रॉ। ये भी एक ईडियम है जिसका मतलब क्या होता है, ध्यान खींचना या सफलता पाना, टू गेट अटेंशन और सक्सेस, टू गेट अट्रैक्शन, अटेंशन और सक्सेस। तो ये क्या है, इनके मीनिंग है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कवर मोर वोकैब्स। सो थैंक यू। जय हिंद।